लर्न पंजाबी विद जगजीत सर। इस चैनल विच आप सब दा एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपनूं बेनती करदा हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त कर ली साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाओ। जेकर वीडियो आपनूं पसंद आए तो लाइक करो, इस वीडियो नूं होरां नाल वध तों वध शेयर करो। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर, इस चैनल के सारे दर्शकों विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। ग्रामर की इस यात्रा में असी एक नवी वीडियो लैके पेश हुए हाँ। यह जो टॉपिक है वाक वटांदरा का टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसिस। यह जो सेंटेंसिस ने इन जो वाक ने असी इसको किस किस तरह का जो वाक ने उन्हों का रूप देखा, उन्होंने किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है, उसका रूपांतरण, उसका वटांदरा किस तरह करना है, यह देखा। और नाले भी देखा भी जो CBSE के 10वीं से 12वीं के सिलेबस उस विच नहीं है। हाँ, पंजाब बोर्ड में है जरूर है, और ग्रेजुएशन के जो सिलेबस है उस विच भी जरूर है। इस करके असी वाक वटांदरा बारे गल कर रहे हैं। जो असी वाक वटांदरा बारे गल करते सानू असी वाक बारे तो जानते हाँ। वाक बारे असी गल की सी भी सार्थक शब्दों की सार्थक बनतर, जो असी गल की सी मोहन सिंह चौक ब्लैकबोर्ड लिखता है। इस असी देखा जी संबंधक नहीं लगे तो बड़ा उपरा जहा लगता है, जिदा इसे संबंधक लाए वो जरा सी चेंज हो गया तो वो पूरा सेंटेंस का मीनिंगफुल हो गया, यानी वो सार्थक हो गया। इस करके सार्थक शब्दों की सार्थक बनतर असी वाक कहने। हुण असी इस तो पहले वाक वंड कर चुके हैं, पद वंड की वीडियो तुसी देख चुके हो। हुण असी वाक वटांदरा बारे गल करनी है, वाक वटांदरा किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंसिस नूं आपस में वाकों पंजाबी दे वाकों। तो इस तो पहले सानूं पता होना चाहिए भी वाक दे प्रकार किन्ने किन्ने ने। तो असी जो वाक दे प्रकार करते हाँ तो असी देखते हाँ भी यह कितने सारे जो साडे पैरामीटर ने, जो साडे कसौटियां ने, उन्हां ते पूरा उतरदा है। किस तरह जो करते हैं बणतर दे तौर पर, बणतर के तौर पर जो शब्द ने वो तीन ने। एक तो ने साधारण वाक, असी वाकों की गल कर रहे हैं क्योंकि वाक वटांदरा करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसिस करना है, साधारण वाक होंगे। दूसरा होंगे है संयुक्त वाक, संयुक्त ने जो जुड़े होंगे ने किसी योजक या हाँ किसी योजक करके जुड़े होंगे ने, उन्होंने असं संयुक्त वाक कहने। तीसरा है मिश्रित वाक, मिश्रित वाक जिहड़े मिले जुले ने, मिश्रित वाक बारे भी असी गल पहले कर चुके हाँ। हुण असी सब तो पहले गल करते हैं साधारण वाक। साधारण वाक है कि मैं पंजाबी पढ़ रहा हाँ, मैं पंजाबी पढ़ रहा। एक मैसेज है जो बिल्कुल सिंपल तरीके असी मैसेज नूं कन्वे करता, दस दिता मैं पंजाबी पढ़ दिया, या असी कहने माता जी सब नाल प्यार करते हैं, माता जी सब नाल प्यार करते हैं। मैनू पंजाबी माँ बोली चंगी लगती है, या असी आपस गल्लां करें, जो भी चीज़ है, एक सेंटेंस है, एक मैसेज है, सिंपल जिहा मैसेज है, सिंपल जी गल है, असी उसनू कन्वे करता और अखीर विच फुल स्टॉप लग गया, यानी पूर्ण विराम दा डंडा पै गया, असी इसनू कहने साधारण सेंटेंस या साधारण वाक। फिर असी देखते हाँ भी मिश्रित वाक की होंगे। मिश्रित वाक होंगे जुड़े हुए, जिस विच दो पूरे सेंटेंस, दो साधारण वाक आपस पूरे पूरे जुड़े होंगे। जिदा असी कहने मोहन जीत ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक खरीदी ते उसनू पढ़न लगा। मोहन जीत ने पुस्तक पढ़ी पूरा सेंटेंस है, साधारण पूरा वाक है, उसनू पढ़न लगा पूरा वाक है, ते योजक ने इसनू जोड़ दिता गया। मेरे कोल एक साइकिल है, मेरे कोल एक साइकिल है जो लाल रंग दी है। मेरे कोल एक साइकिल है पूरा सेंटेंस है, साइकिल लाल रंग दी है पूरा सेंटेंस है, इसनों विचकारों जो
ਜੋ ਯੋਜਕ ਸੀ ਜੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੁੜਿਆ ਆਇਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਿਰਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਰਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਧਾਰਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਆਪਸ ਕਿਸੇ ਯੋਜਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਖਰੀਦੀ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ 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 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਵਾਕ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ, ਇੱਕ 'ਚ ਦੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੂਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੜਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪੂਰਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪੂਰਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕਦ ਲਈ ਖਰੀਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉਸਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਖਰੀਦੀ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੂਰਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਵਾਕ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਕ, ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਮੋਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੜਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੋੜ ਯੋਜਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਪੂਰਨ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਾਕ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਇਹ ਅਪੂਰਨ ਵਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵਲ ਯਾਨੀ ਫਸਟ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵਲ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਐਲੋਬਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵਲ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਯੋਜਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ। ਦੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਇਹ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜੋ ਦੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ, ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਵਾਕ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕ ਨੇ ਹਾਂ ਵਾਚਕ, ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਸੀਸ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਸ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਾਚਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਚਕ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਨਾ ਵਾਚਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਚਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਕੀ, ਕੌਣ, ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਾਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਾਰਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਾਰਕ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਾਰਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਐਕਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੌਣ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜਾ, ਕਦੋਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਸਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸਮਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਨੇ,
एक्सेंट बदलिया, भाव बदलिया तो मीनिंग भी बदल गया, यानी वह जो प्रकार से वह बदल गया। फिर प्रश्नवाचक चाहेगा इतने भावें की लिखिया, कितने लिखिया, क्यों लिखिया, प्रश्नवाचक पड़नाम ने, प्रश्नवाचक शब्द ने, इतने प्रश्नवाचक शब्द नहीं है पर क्वेश्चन मार्क पाते ही सानू पता लग गया भी यह प्रश्न एक शब्द है, प्रश्न एक वाक है। फिर असं विस्मक पढ़ने, विस्मक किनू कहें, जेडे शब्द हैरानी वेले, खुशी वेले, गमी वेले, किसी बुलाउण वेले, किसी असीस वेले, किसी फिटकार वेले, मूँह आप ही निकलते हैं, असं उन्होंने फिटकार वाचक शब्द आखते हाँ। जिदा असं शब्द लिखते हाँ, काश मैं भी तेरे कोल हुंदा। हुण इत्थे विस्मक क्यों है, क्योंकि इत्थे काश शब्द इच्छा सूचक है। फिर से देखते हैं, है तू फेल हो गया, है तू फेल हो गया। इत्थे ए भी जो विस्मक शब्द है, क्योंकि जो है शब्द है हैरानी वाला। फिर आएगा उफ, तू मैनू छड़ के क्यों जा रहा है। उफ जिहड़ा उफ शब्द है यह भी विस्मक शब्द है, जिन्हां शब्दां दे जिन्हां वाकां दे शुरू विच हैरानी वाचक, फिटकार वाचक, असीस वाचक, इदां दे शब्द जो भी अंजद लिखिया, काश शब्द आ गया पहले, हैं आ गया हैरानी वाला, उफ दुख वाचक आ गया, अफसोस वाचक आ गया, यह जो सारे शब्द हुंदे है इन्हां नूं असीं कहिंदे हां विस्मक विस्मक वाक। यह शब्द नहीं, यह वाक ने विस्मक वाक। असी बनतर दे तौर पर देखा, असी अर्थों के तौर पर देखा, हुण असी तीसरा जो है वह वाच के तौर पर करांगे। वाच दम वॉयस, एक्टिव वॉयस एंड पैसिव वॉयस, इस असी कर्तरी वाच और कर्मणी वाच कहने। हुण असी देखते हाँ, बनतर के तौर पर साधारण वाक से, बनतर के तौर पर संयुक्त वाक से, दो साधारण वाक जोड़ के मिश्रित से अधूरा और पूरा। फिर अर्थों के तौर पर हाँ वाचक सिंपल सेंटेंस है, ना वाचक नहीं शब्द आ गया, प्रश्नवाचक की कौन केड़ा है जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाए, विस्मक जिच काश है उफ वाह इदा के शब्द पहले लगे हो, एक्सकलेमेशन साइन हो, विस्मक चिन्ह हो, सेंटेंस हो, इसनों असं कहने। हूँ तीजा जरा शब्दों का प्रकार है, वाकों का जो प्रकार है ओ है वाच अनुसार। वाच का मतलब है वॉयस, एक्टिव वॉयस एंड पैसिव वॉयस, इन असी कहने करतरी वाच, असी कहने करतरी वाच, एक्टिव वॉयस। मोहन जीत किताब पढ़ता है, यह करता हो गया, यह कर्म हो गया, करता पहले लगा तो कर्तरी वाच है। हुण इहनूं जे असीं कर्मणी वाच लिखना है, यह कर्तरी वाच है, जिसनूं असीं कर्मणी वाच लिखना है, कर्मणी वाच का मतलब है वॉयस विच ऑबजेक्ट पहले आ जाएगा, एच सबजैक्ट पहले सीगा, मोहनजीत किताब पढ़ता है, तो इस विच आ जाएगा किताब मोहनजीत द्वारा पढ़ी जाती है, किताब मोहनजीत द्वारा पढ़ी जाती है। ऐसे की आया जो किताब से अपनी जगह तो ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट की जगह गया, सब्जेक्ट जरा अगे चला गया, और इतने द्वारा यानी बाय वल्लों राही और द्वारा, इन्हां शब्दों का प्रयोग करके असी एक्टिव टू पैसिव वॉयस बनाने। असी इसनूं बाद ट्रांसफॉर्म भी करांगे, तो कर्तरी वाच विच करता पहले आता है, कर्मणी वाचो कर्म उठ के पहले आ जाता है। इदा कहने बच्चे फुटबॉल नाल खेल रहे हैं, बच्चा करता है और फुटबॉल कर्म है जिहड़ी चीज़ है। फिर असीं कहिंदे फुटबॉल बच्चों द्वारा खेली जाती है, अध्यापक बोर्ड पर लिखता है, बोर्ड के अध्यापक द्वारा लिखा जाता है, यानी जो बोर्ड से पहले अध्यापक बोर्ड पर लिखता है, फिर बोर्ड के अध्यापक द्वारा लिखा जाता है, यदा मतलब वलों राही या द्वारा शब्द करके, यानी बाय द्वारा असी इन शब्दों कर्तरी तो कर्मणी च बदलाव करते हैं। करता पहले लगे तो कर्तरी वाच है, जे कर्म उठ के पहले आ गया तो उन्होंने असी कर्मणी वाच कहेंगे, एक्टिव वॉयस एंड पैसिव वॉयस। हुण असी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं, ऐसी सारी सी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन तो बाद असी इस हुण अगे जिहड़ा ना वो ट्रांसफॉर्मेशन दे जिहड़े नेम ने उन्हां दी गल करते हैं।
इस तो पहले असी सारे प्रकार के वाकों की बणतर देख ली है, वाकों के प्रकार देख लिए बणतर के तौर पर, अर्थों के तौर पर और वाच यानी वॉइस के तौर पर। हुण असी जो साडा मेन स्टैप है, जो साडे प्रश्न आणगे, असी हुण उस रूप च इसनूं देखना है। हुण असी असली तो शुरू करते हाँ, वाक वटांदरा किवें करीदा, वाक वटांदरा किवें करना है। पहला जो सेंटेंस है, पहला जो भाग है साडा, वह है कर्तरी तो कर्मणी। जिस सेंटेंस विच, जिस वाक विच कर्ता पहले होए उसनू कर्तरी वाच कहिंदे है, जिस विच कर्म पहले होए उसनू कर्मणी वाच कहिंदे है। जिस तरह माँ रोटी पकाउंदी है, माँ कर्ता है और रोटी कर्म है। रोटी माँ पकाउंदी है, यह नहीं बनेगा। माँ रोटी पकाउंदी है तो ठीक है, रोटी माँ पकाउंदी है यह ठीक नहीं है। सिमरप्रीत पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक सिमरप्रीत पढ़ती है, यह भी गलत हो गया। हर बच्चे लिए पढ़ना जरूरी है। ऐसे देखिया भी सिमरप्रीत करता है और पुस्तक कर्म है, पर इत हर बच्चा जो करता है, पर कर्म ये है ही नहीं, इतने क्रिया हो गया। पढ़ना जरूरी है, पढ़ना क्रिया हो गया। मोर नचता है, इतने करता तो है, क्रिया है पर कर्म नहीं है। मैं पढ़ता हाँ, इतने करता तो है पर कर्म नहीं है। फिर इनू कि चेंज करा, इस बारे ध्यान सुनो। असी इतने दो सिंपल प्रकार ले और तीन सिम अलग डिफरेंट तरह के अलग तरीके वाक वटांदरा करने वाले रूप ले, सेंटेंस वाक ले। हुण असीं देखते हैं, माँ रोटी पकाउंदी है, असी पहले भी गल कर चुके हैं। जो असी एक्टिव टू पैसिव करना है, फिर लिखांगे रोटी माँ द्वारा पकाई जांदी है। ऐसे तुसीं देखिया वेख ते असी वर्ड किया द्वारा, द्वारे जगह असी वल्लों या राही भी इस्तेमाल कर सकदा कर सकते हैं। रोटी माँ राही पकाई जाती है, रोटी माँ वल्लों पकाई जाती है। इहदा मतलब जो इंग्लिश असी वर्ड यूज करते बाय, इहदा मतलब बाय जगह असी वल्लों, पंजाबी च राही और द्वारा, जिहड़ा सानूं एप्रोप्रिएट लगे, जिहड़ा सानूं ठीक लगे, ढुकवां लगे, असी उसनू असी इस जगह पर यूज़ करना है, प्रयोग करना है। रोटी माँ द्वारा पकाउंदी है, यह सेंटेंस ठीक नहीं है। असी करांगे रोटी माँ द्वारा पकाई दे है, पकाउंदी है और पकाई जाती है, थोड़ा जहा चेंज हो गया, स्लाइटली चेंज हो गया। हुण असी दूसरा करते हैं, सिमरप्रीत करता है, पुस्तक कर्म है, सिमरप्रीत पुस्तक पढ़ती है। असी लिखते हैं पुस्तक, पुस्तक पहले लिख लिया, फिर की करांगे सिमरप्रीत वल्लों या ही राही या द्वारा, असी द्वारा लिख लें, द्वारा पढ़ती है। देखो की गलतियाँ होती हैं, पुस्तक सिमरप्रीत द्वारा पढ़ती है, पुस्तक सिमरप्रीत द्वारा पढ़ती है। हुण ये जो गल सी ना, ये मैं जानबूझ के गलत लिखी, क्योंकि इस विच जो पढ़ती है यह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कायांतरित हो जाएगा, यह थोड़ा चेंज हो जाएगा। इतने से पकाउंदी है, पकाई जाती है, पढ़ती है, पुस्तक सिमरप्रीत द्वारा पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। क्लियर है, स्पष्ट है। हर बच्चे लिए पढ़ना जरूरी है, हुण इच करता तो है पर की पढ़ना जरूरी है। हर बच्चे लिए पुस्तक पढ़ना जरूरी है तो पुस्तक हर बच्चे लिए पढ़ना जरूरी है, इदा करांगे। इत्थे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हर बच्चे लिए पढ़ना जरूरी है। फिर लिखांगे हर बच्चे, करते नूं करते दी जगह रहने दिता गया, हर बच्चे द्वारा पढ़िया जाना जरूरी है। ध्यान ना सुनो, माँ रोटी पकाउंदी है, सिंपल है, रोटी माँ द्वारा पकाई जाती है। सिमरप्रीत पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती नूं भी चेंज करना है और इत्थे जगह भी चेंज करनी है। पुस्तक सिमरप्रीत द्वारा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, कर्मणी हो गया, इतने कर्तरी है, सारे कर्मणी है। पुस्तक सिमरप्रीत द्वारा पढ़ी जाती है, पढ़ती है, पढ़ी जाती है, पकाउंदी है, पकाई जाती है। इतने हर बच्चे लिए पढ़ना जरूरी, इस कर्म नहीं है। फिर इनू कितना कर्मणी बनाना है, कर्ता पहले ही लग जाएगा। हर बच्चे लिए पढ़ना जरूरी है, हर बच्चे द्वारा पढ़ाया जाना जरूरी है। उस तो बाद मोर नचता है, मोर नचता है पर कितने किदा, यह नहीं, और यानी ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर असी इसनों कितना चेंज करांगे, फिर लिखांगे मोर, यानी करता पहले ही रहेगा, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, उन्होंने कितना पहले लेके आवेंगे, कर्म तो है ही नहीं, कर्म नू पहले कितना लेके आवेंगे। फिर असी देखांगे मोर द्वारा, यानी करता नहीं पहले लिख देंगे, मोर द्वारा नचता है, नहीं, मोर द्वारा नचया जाता है, मोर नचदा सी,
मोर द्वारा नचया जांदा सी, पास्ट टेंस भूतकाल, मोर नचदा है, मोर द्वारा, असी द्वारा जरूर इस्तेमाल करना है क्योंकि इस तरह ही कर्मणी बनेगा। हुण करता करता की जगह तरेगा, कर्म है ही नहीं, तो असी उन्हें चेंज नहीं कर सकते। मोर नचदा सी, मोर द्वारा नचया जांदा सी, फिर मैं पढ़ता हाँ, फिर सेम आएगा, मैं चेंज हो जाएगा। ए तो देखो जेडे पड़नाम है ना, उन्होंने रूप चेंज होएगा, ठीक है। मैं पढ़ता हाँ, फिर आएगा मेरे द्वारा, की आएगा पढ़ता हाँ का पढ़िया जाता है, मेरे द्वारा पढ़िया जाता है। इतने देखा सी भी जो क्रिया है ना, वो रूप वो अर्थ नहीं चेंज, वो रूप बदल जाता है, तो मेरे द्वारा पढ़िया जाता है। इतने असं पड़नाम की गल, इतने सारे नाम ने, बच्चा नाम है, मोर नाम है, सिमरप्रीत नाम है, माँ नाम है, परंतु इतने पड़नाम देखा, पड़नाम लिखा मैं तो हो गया मेरे, फिर असं कहना बई तू मेहनत कर, तू पड़नाम है, तू कि बनेगा तेरे द्वारा मेहनत की जाए, मेहनत कर जाएगा, मेहनत की जाए। हुण होएगा किदा, असी पंजाबी लोग हाँ, और पंजाबी भाषा किदा बोलनी है, किदा बनानी है, साढ़े इत्थे फिट है पहले तो ही, साढ़े जन्म तो ही, साड़ी मां बोली जो पहले दिन सीखी गई सी, उस समय जो नियम है मां बोली के, वो साढ़े अंदर सैट होने शुरू हो गया। असी इन मां बोली के जो अवचेतन मन च पे रूल्स ने, असी उन्होंने आधार पर इन्हों चेंज करना है। मैं पढ़ता हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तू मेहनत कर, तेरे द्वारा मेहनत की जाए, ठीक है। तो इस तरह असी कर्तरीवाज तो यह करता 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 और करता करता लगे ने, इनू कर्मणी किदा बनाना है, कर्म पहले आ जाएगा, इतने कर्म ही नहीं है, एज करता लगा रहेगा पर दोबारा यूज करके, और क्रिया का रूप चेंज करना है, पड़नाम का ध्यान रखना है, तू मेहनत कर, तू द्वारा मेहनत की, इदा नहीं होएगा मैं पढ़ता हाँ, मैं द्वारा पढ़िया जाता, इदा नहीं होगा मेरे द्वारा, उन्होंने असी रूप चेंज कि चेंज होएगा, सोच अनुसार, समझ अनुसार। यह विवेक बुद्ध सानू परमात्मा ने अपनी कृपा करके दी, असी उस विवेक बुद्ध का इस्तेमाल इस वाक्य नू चेंज करन लग्या, बदलन लग्या करना है। असी वाक वटांदरा का पहला रूप कर रहे हैं, हुण दूजे रूप बारे गल करते हैं। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लई साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नू दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, तो इस वीडियो होरां नाल वध तों वध शेयर करो।